तो विशेष अवसर और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग, मां की आराधना को लेकर हम अपने सहयोगी आदित्य झा का सीधे रुख करते हैं, आपको पटना लिए चलते हैं और आज के इस विशेष अवसर पर किस तरह का नजारा है, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह और उमंग मां की आराधना को लेकर देखने को मिल रहा है, आदित्य से जानते हैं। जी आदित्य, उधर भी दिखाइए, उधर भी देखिए। दीपक, मैं अभी पटना के सचिवालय स्थित जो नौलखा मंदिर है वहाँ पे मैं अभी हूँ और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और सब इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो पिछले 25 वर्षों से, इस बार 26वां साल है, अपने छाती पर 51 किलो जिसका वजन है और 25 कलश की स्थापना करते आ रहे हैं। देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो लगातार छठे दिन बिना अन्न जल पानी तक भी नहीं लेते, गंगा जल तक भी नहीं लेते हैं और लगातार 25 वर्षों से ये इसी साधना में रहते हैं। नवरात्रा के 9 दिन वो इसी तरीके से अपने छाती पर कलश की स्थापना करते हैं और ये इस बार उनका 26वां साल है। हम खुद उनसे बात करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। आज से 25वां साल पीछे से लगातार मैं, इस बार 26वां साल है, 26 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ माँ के चरणों में साधना और आराधना करते हुए। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। आज तो माँ खत्यानी की पूजा है, न्यू सचिवालय प्रांगण में नौलखा माँ दुर्गा स्थान मनोकामना मंदिर ये है। इस मंदिर में जो भी जो मनोकामना लेके आती है उसे सबको पूरा होता है। जय माता जी, जय हिंद। तो दीपक, आपने देखा होगा कि बाबा लगातार 6 दिनों से इसी तरीके से साधना में लीन है और पिछले 25 वर्षों से इसी तरीके से वो अपनी छाती पर कलश की स्थापना करते हैं और भक्तों के लिए ये मनौती मानते हैं कि सबों का ये कल्याण हो। आज माँ दुर्गा की छठी पूजा है जिसमें माँ देवी कात्यायनी की पूजा होती है और पूजा के बारे में इस देवी के इस रूप के बारे में कहा जाता है कि इसी रूप में देवी ने महिषासुर का वध किया था। तो हम अभी और एक पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी पुजारी जी, जय माता दी। सर, आज छठा रूप है जी, इस रूप का क्या है वर्णन, क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्री काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुंदरता नमस्तुते। जय तो देवी चामुंडे, जय हो भूताहारणी सर्वगते देवी माँ काल रात्रि मानमस्तुते। ये आदि शक्ति का पूजा है। प्रथम पूजा शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कृष्ण मांडेति चतुर्कर्म, पंचम संघ मातेशी खस कात्यानी च सत्यम काल रात्रि महागौरी आचमम, नवम श्रीधिदात्री च नव दुर्गा प्रतीतता। माँ कहती है कि जगत में जो कुछ है सब हम हैं, हमारे सिवा इस जगत में कुछ नहीं है। जो तुम मूर्ख बंदे कहते हो कि मेरा है मेरा है, वो सब मेरा है। और उसी विश्वास पर माता रानी के ऊपर बाबा नागेश्वर को इतना विश्वास है कि बाबा नागेश्वर 9 दिन बेगर अन्न जल के नित्य क्रिया से वंचित रहते हुए 21 कलश 26 वर्ष से कंटिन्यू अपने सीना पर स्थापना करते हैं और इसी माँ के गोद में। कहते हैं बाबा नागेश्वर कि माँ में बहुत शक्ति है, ये माँ में बहुत ज्ञान है, क्योंकि जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी एक एक मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। आज कात्यायनी माँ का पूजा है। कात्यायनी माँ जो है वो हमें सुख शांति देती है, हमें कहती है
कि दुनिया में अगर जीना है तो अपने धर्म पे चलो, और हम जब अपने धर्म पे चलते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, और शक्ति देती है हमारी कात्यायनी माँ। कात्यायनी माँ कहती है कि शिव विष्णु सबको शक्ति देने वाले हम हैं। आज उन्हीं स्वरूपिणी माँ का पूजा है, और नागेश्वर बाबा भी आराधना में लगे हुए हैं। विजयदशमी के बाबा उठेंगे। बिल्कुल, तो यह आस्था का अद्भुत रूप यहाँ इस तरह से प्रदर्शित हो रहा है। 25 वर्षों से बाबा इस तरह से आराधना कर रहे हैं, माँ के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति इस अंदाज में कर रहे हैं, और दूर दूर से श्रद्धालु इन्हें देखने पहुँचते हैं, इनके आस्था को नमन करते हैं। तो माँ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आदित्य, इन तमाम बातचीत और तमाम ताज़ा तस्वीरों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस विषय